यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? खाकी में ये जवान ऐसे क्यों रो रहा है? ये जवान कौन है, क्यों बिलकते बिलकते रो रहा है? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही बहुत सारा। क्यों बड़े बड़े माफियाओं को पानी पिलाने वाली यूपी पुलिस के इस जवान का वीडियो यूं वायरल हो रहा है? मैंने जेल किया, सूखी रोटी दिखा रहा है, आंखों में आंसू टपक टपक कर बह रहे हैं और सूबे के मुखिया योगी से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। किसको यहाँ के आप कुत्ते को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी यात्रा जी के। आखिरकार हाथों में रोटी थामे ये जवान योगी जी से क्या कहना चाहता है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ये वीडियो यूपी का है और ये जवान है यूपी पुलिस का मनोज, जो कि फिरोजाबाद पुलिस कार्यालय में सनमन सेल में तैनात है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिन पुलिस वालों का नाम सुनकर इन दिनों अपराधी तख्ती थामे थानों में सरेंडर कर रहे हैं, उन्हीं यूपी पुलिस के जवान की हालत ऐसी किसने कर दी? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी में हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही बहुत सारा। चलिए अब आपको पूरा का पूरा माजरा बताते हैं, मगर सुनिए इस पुलिस वाले की फरियाद को, क्योंकि इसको सुनने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी में हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही बहुत द्वारा गणना द्वारा मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, ताली को टूटे करके जनता के बीच में चला गया। तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, बहुत अगर नहीं हो रही है, ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी यात्रा जी के। डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएसओ ने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएसओ बोल रहा हूँ, एडीजी आ गए साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ, जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है जो वीडियो देख रहे हो उनके परिवार का भी कोई ना कोई सदस्य पुलिस में हो, अब आप जरा उनसे पूछ कर देखिएगा कि उनका दर्द क्या है। वो बताएंगे आपको कि घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जब 12-12 घंटे की ड्यूटी के बाद सूखी रोटी मिलती है तो कैसा महसूस होता होगा। ये हालात किसी एक जिले, हर पुलिस लाइन या थाने के नहीं हो सकते, ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन जहाँ है वहाँ सुधारने की जरूरत है, क्योंकि यही पुलिस हमारी सेवा में 24-24 घंटे तैनात होती है। और अगर पुलिस वालों को ही इस तरीके का खाना मिलेगा तो सवाल खड़े होंगे। चलिए अब आपके सामने हम कुछ आंकड़े रखेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और तय कर लीजिएगा कि यूपी पुलिस के जवानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को योगी सरकार महीने में 1,875 रुपए देती है, जो कि एक दिन का करीब 62 रुपए होता है। आज के दौर में 62 रुपए में क्या होता है आप समझ सकते हैं, क्या ये बेहद कम नहीं है? लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये 62 रुपए भी कुछ लोग करप्शन की भेंट चढ़ा देते हैं। इस 62 रुपए में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर सब शामिल होता है, लेकिन जिले के कुछ अधिकारी इसमें भी लाखों का घोटाला कर देते हैं। इसमें मैस से लेकर खाना बनाने वाले से लेकर राशन बेचने वाला दुकानदार तक शामिल होता है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर
विनती करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि जिम्मेदार महकमा देख सके कि आज यूपी पुलिस के जवानों की ये हालत का जिम्मेदार कौन है। और हाँ, अगर हमारे सबके योगी जी के पास ये वीडियो पहुंचता है तो हमें पूरी उम्मीद है कि योगी जी तुरंत एक्शन लेंगे, क्योंकि वो भी इस रोते पुलिस वाले को देख नहीं पाएंगे, न्याय जरूर करेंगे। ये इसलिए क्योंकि इसी पुलिस ने यूपी में अपराधियों के हौसलों को फंस कर योगी के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश की है। इसी पुलिस ने ही मुख्यमंत्री योगी की छवि को कड़क और ईमानदार प्रशासक बनाने की जो मुहिम छेड़ी, उसमें बुलडोजर से न्याय एक प्रतीक बन गया। और हाँ, अगर यही पुलिस जब तंदुरुस्त नहीं रहेगी तो फिर अपराधियों पर भारी कौन पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।